स्वागत है जी आप सबका चटोरा पॉइंट की एक और नई वीडियो में। आज हम ट्राई करने वाले चाइनीज वॉक, और यहाँ से जी फूड मंगवाने का मेन रीजन ये है कि स्विगी में ना इनका एक ऑफर चल रहा है, और वो ऑफर क्या है पंकज भाई? ऑफर ये है कि 149 रुपीस में ना इनका जो मेन्यू है कुछ भी ले लो सबका प्राइस 149 है। मतलब अगर आप 300 रुपए वाला आइटम भी अगर ले रहे हो, जैसे कि हमने भी इसमें एक चीज मंगवाई है जिसका एक्चुअल प्राइस 300 रुपए है, लेकिन हमें मिला है जी 149 रुपीस। और भाई अब आपको दिखाएंगे इसमें हमने क्या क्या चीज मंगवाई है, टेस्ट करेंगे और अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आ जाए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मेरा आपसे एक सवाल है, क्या लगता है भाई 300 रुपए के आइटम को अगर वो 149 रुपीस में दे रहे हैं तो क्या क्वांटिटी कम होगी या नहीं, वो देखते हैं जी। तो जी टोटल हमने चार चीजें मंगवाई है जी, बाकी इसमें लिखा हुआ है कि 200 प्लस इनके रेस्टोरेंट है जी, बाकी देखते हैं जी। एक हमने पंकज जी इसी नाम से फरीदाबाद में वीडियो बना रखी है, और एक मेरे ख्याल से कोई कंपैरिजन किया था उसमें भी इनका कुछ प्रोडक्ट आया हुआ है। तो जी दो तो हमने जी इनसे मंगवाए हैं कॉम्बो, ठीक है, और मैं सही बताऊं उठाने के हिसाब से लग रहा है कि क्वांटिटी अच्छी लग रही है और उतना ही पोर्शन है जितना ये एक्चुअल प्राइस में देते हैं। बिल्कुल, और इसमें इसको भी खोल लेते हैं तो उसके बाद जो है ना एक ही बार में इसको खोलेंगे। जरा कायदे से खोल दो भाई, फिर कई लोग जो है ना नाराज हो जाते हैं कि भाई आप पैकिंग को ऐसे खराब क्यों कर देते हो। ये आया है जी टोटल, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमने चार चीजें मंगवाई हैं। अब इनको ये अब ओपन करके दिखाते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो जी सबसे पहले देखते हैं जी कि इस बॉक्स के अंदर क्या आया है। अच्छा ये है जी पनीर चिल्ली ड्राई। भाई पनीर की क्वांटिटी तो अच्छी लग रही है, छोटे छोटे से पनीर के पीसेस हैं। हाँ लेकिन भाई काफी अच्छा ना, वो जैसे वो मंचूरियन ग्रेवी बनाते हैं ना वो भाई चिली वाली ग्रेवी बना रखी है शिमला मिर्च। ये है कि पनीर के पीसेस खुले हैं चाहे छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे से हैं लेकिन भाई पीसेस जो है ना काफी अच्छे लग रहे हैं। और इसका अमाउंट है जी 319 रुपए हमें डिस्काउंट में मिला है जी 149 रुपीज का। क्या लगता है भाई क्वांटिटी 149 के हिसाब से अब आपको सही लग रही है कि नहीं, ये आप हमें कमेंट करके बताना जी। नेक्स्ट बॉक्स ओपन करते हैं जी और देखते हैं जी कि इसके अंदर क्या आया है। ओपन करते हैं जी, ओके अच्छा, इसमें नूडल्स आ गए, वेज गार्लिक नूडल्स, ठीक है जी। और इसका भी प्राइस आपको बता देते हैं, इसका एक्चुअल प्राइस 215 रुपए है, डिस्काउंट में आए 149 रुपए। और इसमें मेंशन था जी कि 500 ml के आसपास जो है ना ये डब्बा आपका आएगा, और सही बताऊं तो उतनी क्वांटिटी इन्होंने काफी अच्छी दी है। और भाई चिली नाम दिया ना, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो चिली और हल्का हल्का सा वो जो गार्लिक है, हाँ वो भी है, काफी अच्छे लेवल में नजर आ रहा है। और क्वांटिटी मैं सही बताऊं 140 के हिसाब से तो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है ना, 149 के हिसाब से तो पनीर के वो चिल्ली पनीर भी सही लगा, वो भी बहुत अच्छा था। चलो नेक्स्ट ओपन करते हैं जी। तो भाई नेक्स्ट जो है हमारे पास अब दो बाउल है जी जिसके अंदर हमने कॉम्बो मंगवाए हैं, तो अब इनको ओपन करके आपको दिखाते हैं जी कि इसके अंदर क्या आया। और क्वांटिटी वाकई में बहुत अच्छी है इसकी। और ये है जी हमारा मंचूरियन विद फ्राइड राइस। भाई फ्राइड राइस जो है काफी अच्छे, ऊपर वो स्प्रिंग अनियन और जो खुलते ही खुशबू आई है ना वो बहुत कमाल की आई है। राइस जैसा कि इसके अंदर बारीक पतला वाला राइस यूज होता है वो इन्होंने यूज किया है भाई। बाकी मंचूरियन के बॉल्स भी मेरे ख्याल से काफी अच्छे लग रहे हैं, क्वांटिटी अच्छी लग रही है। और आप देखो फ्रेश कितना है, कितने आराम से ब्रेक हो रहा है मंचूरियन बॉल में। पंकज मेन लोग यही देखते हैं कि वो सॉफ्ट है कि नहीं है। मैं सही बताऊं मैं आपको एक पीस और दिखाता हूं, ये देखो आप जरा काफी बढ़िया लग रहा है, ये भी बहुत आराम से ब्रेक हो रहा है और बहुत अंदर भी जो है ना वेजीज वगैरह अच्छी नजर आ रही है। बाकी ये ग्रेवी भी इनकी अच्छी लग रही है जी। मेन तो है जी टेस्ट। अब ये हमें 259 का आई थिंक ये, और आया 149 का आया है। अब मेन तो आ जाता है जी टेस्ट। इन्होंने पोर्शन वगैरह तो चलो सही दिया है, टेस्ट अच्छा हुआ तो मजा आ जाएगा। आई थिंक मुझे लगता है कि ये 500 ml से तो ज्यादा 600 ml तो बड़े आराम से ये है। वेट इसका उठाने में पता चल रहा है, क्योंकि इसको उठाओ ना इसके बाद ये देखो तो भाई इसका वेट ज्यादा है, बढ़िया लग रहा है यार। भाई नेक्स्ट है जी हमारा कुंग पाओ पनीर बाउल। अब ये कुंग पाओ जी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ये कोई सॉस है जो इसको बनाने में इन्होंने यूज करी है जी। हम पहली ओए होए 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 यार। अच्छा पनीर के पीसेस इनके वो छोटे छोटे से क्यूब टाइप के ही हैं, है ना, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसमें तो भाई साहब मैं बता रहा हूँ इसकी क्या रंगत आ रही है ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। इसको तो मैं सही बताऊँ हिलाने का भी नहीं मन कर रहा, लेकिन आप देखो यार
ग्रेवी कितनी अच्छी है, पनीर के पीसेस देख लो बहुत अच्छे हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गिनती के पंकज दो तीन पनीर के पीसेस डाल दिए, काफी अच्छे। ये देखो मैं नीचे से भी जो है ना, मतलब ये है कि इसको अच्छे से मिक्स भी कर लेंगे ना, हाँ तो बढ़िया से खाया जाएगा। फ्राइड राइस तो भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। और इसका एक्चुअल प्राइस जो है जी वो है 299 रुपए, 149 का आया है, 149 का जी। ये हमारा पनीर वाला कॉम्बो आया है जी फ्राइड राइस के साथ, ये मंचूरियन बाउल है, ये भी 149 का आया है जी। उसके बाद हमारे पास ये चिली गार्लिक नूडल है, ये भी 149 का आया है, और यहाँ पे है हमारा चिली पनीर, चिली पनीर ड्राई, ये भी हमारा जी 149 रुपीस का आया है। एक बाकी अभी ये डील कब तक है पता नहीं, इसके बारे में हमें नहीं पता। अगर आपके यहाँ मिल रही तो भाई जब तक है तब तक तो एंजॉय कर सकते हो बिल्कुल। बाकी टेस्ट बताते हैं चलो आपको। बाकी दोस्तों फूड को टेस्ट करने से पहले भाई एक बार फिर से बता दूं कि 17 दिसंबर 2023 को जी हमारा वेबफेयर मीटअप हो रहा है, और काफी लोगों ने ना टिकट बुक कर लिया, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी डाउट है। उसके लिए आपकी हेल्प के लिए जी आपके सामने एक नंबर फ्लैश कर रहे हैं, इसमें आपसे बात करेगा जी दीपेश। आप कॉल भी कर सकते हो और यहाँ व्हाट्सएप में मैसेज करोगे तब भी आपको रिप्लाई आ जाएगा। अगर आपको मीटअप से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, ये हमारा 20वां मीटअप है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहां पे पूछ सकते हो। कुछ लोगों के बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए हैं, क्योंकि भैया ऐसा है देखो फ्रॉड बहुत होता है तारीख में। मतलब ये हमारा उस तरीके वाला नहीं कि आपसे चेन बनवाएंगे या कोई कोर्स बेचेंगे, हमारा प्रॉपर नॉलेज शेयरिंग मीटअप होता आप है। आओगे मैं आपको बता रहा हूँ आपका दिल खुश हो जाएगा, इस बात की तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। बाकी अब आते हैं जी फूड पर। यहाँ पे जी सबसे पहले जैसे हमने ओपन किया था जी इनका ये चिली पनीर ड्राई, ठीक है अब इसको टेस्ट करते हैं। इसका एक्चुअल प्राइस 300 कुछ है जी, लेकिन हमें पड़ा है 149 रुपीस का। आ जाओ जी, एग्जैक्ट जिस तरीके का चाइनीज फूड जो है ना जी हम इंडियन एक्सपेक्ट करते हैं, मसालेदार करारेदार, और वो जो चाइनीज सोया सॉस विनेगर गार्लिक वगैरह हर चीज के फ्लेवर आ रहे हैं बढ़िया, और पनीर बहुत अच्छा है। एक बात और यहाँ पे क्लियर कर दूं, शायद कुछ लोगों को लगे कि जी स्पॉन्सर वीडियो है, तो ये स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है भाई। बाकी आपकी चॉइस है मंगवाना नहीं मंगवाना, हम तो आपको बस कुछ डील्स वगैरह चीज दिखाते रहते हैं। हमें तो अगर कुछ अच्छा दिखता है तो हम कहते हैं कि भाई वो आप लोगों के साथ शेयर कर दें। मंगवाना ना मंगवाना वो आपकी इच्छा है जी। एक बाइट और ले लेते हैं जरा। नेक्स्ट हम ट्राई करने लगे हैं जी इनके ये वेज चिली गार्लिक नूडल, और भाई साहब मैं दिखने में अच्छे लग रहे हैं भाई, दिखने में अच्छे लग रहे हैं नूडल्स, एक एक दाना है जी, मिर्च जो है ना ऊपर जो नजर आ रही है भाई साहब, बाइट लेने के बाद ही पता चलेगा। टेस्ट करते हैं, चल आ जाओ। चिली फ्लेक्स का जो है ना हाँ, वो बड़ा तगड़ा आ रहा है। मैं कहने लगा था जैसा नाम दिया ना वैसा ही तहलका है भाई साहब। क्या मेरे को ना डाउट हो रहा था कि ये इतना ज्यादा हमने स्वाद खा लिया, क्या नेक्स्ट चीज हमें वो नूडल्स के अंदर स्वाद आएगा भाई इनका। भाई उसका जो तीखापन है ना जुबान में अटक गया है, बहुत तगड़ा, बहुत तीखा है भाई साहब। वाकई में जो उसकी रंगत दिख रही है ना, सही में जिनको तीखा चटपटा खाना पसंद है उनको ये वाली नूडल बहुत अच्छी लगने वाली है। नेक्स्ट जी हम ट्राई करने लगे हैं जी ये मंचूरियन बॉल जो थी जी, इसके साथ में ये फ्राइड राइस। अब बाइट अपनी तैयार कर लिया जी, आ जाओ टेस्ट करते हैं। भाई इसमें ना मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे तो जो मंचूरियन बॉल है ना भाई साहब वो सुपर डुपर टेस्टी है, राइस इतना सही बताऊं तो पसंद नहीं आया यार। बॉल जो है ना फ्लेवर भी ना काफी अच्छे माइल्ड है, बहुत ज्यादा तीखा नहीं लग रहा, एवरेज मसाले डाले मगर बहुत स्वाद लग रहे हैं। बाकी मिक्स करके लोगों को बहुत लोगों को खाना पसंद है तो मिक्स करके स्वाद अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि राइस जो है ना वो हल्का सा और बॉयल होना चाहिए था, थोड़ा सा ना कम है, तो उसमें जो कच्चापन आ रहा है ना, एक तो सब्जियां उसके अंदर कच्ची हैं उसके साथ में जो राइस भी जो है ना उसमें जो कच्चापन आ रहा है ना वो टेस्ट जो है ना थोड़ा सा खराब कर रहा है। अदरवाइज भाई साहब क्वांटिटी जो है ना बहुत बढ़िया है, और ड्राई मंचूरियन भी मिल रहा था सेपरेट 149, वो भी 149 का। आपकी मर्जी है जी मंचूरियन, हमने तो कॉम्बो आपको दिखाने के लिए मंगवा लिया, सेपरेट चीजें भी मंगवा सकते हैं, मजा आ गया। लो जी अब ये टेस्ट करते हैं जी, इसका क्या नाम था पंकज? कुंग पाव पनीर विद फ्राइड राइस। चलो जी आ जाओ जी टेस्ट करते हैं।
ठीक है, बहुत ज्यादा वाव नहीं है। मेरे को भी यार कुछ बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया, हल्का सा वो जो ग्रेवी जो सोया सॉस वगैरह है ना, एक तो जो इन्होंने नाम लिया है भाई सॉस का, वो सॉस तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आई है। ठीक है, राइस सेम है, वो सेम राइस यहाँ पे बना हुआ है, सेम राइस वहां बना हुआ है, तो ये जो है ना भाई क्वांटिटी अच्छी है शायद। तो ये है कि एक बंदे का पेट भर जाएगा अगर केला खाएगा। देखो ये भी हो सकता है कि हमने यहाँ पे ये दो चीजें ना बहुत कमाल की खा ली, तो इसलिए हमें उसका फ्लेवर लाइट लग रहा है। शायद अगर हमने सेपरेट सिर्फ यही एक चीज मंगवाई होती तो हो सकता है कि ये हम अच्छा भी कह सकते। बाकी आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देना भी हमारे। बाकी क्वांटिटी 149 के हिसाब से दोबारा बोलूंगा जी कि काफी अच्छी दी हुई है। बाकी आपको हमारी ये आज की वीडियो कैसी लगी है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना, और बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये भी चेक करना कि आपके यहाँ पर ये वाला ऑफर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बात और बता दूं, कुछ 15 स्लाइड जो है ना, जैसे आप स्विगी खोलते हो तो स्लाइड जो होम पेज होता है ना उसका ऐप का, उसी में स्लाइड बैनर में ये ऑफर दिख रही है, और ये सबसे लास्ट में जाके है जी, कुछ 12th या 13 नंबर पे ये स्लाइड आ रही है, तो ढूंढना मिल जाएगी आपको।